जय श्री कृष्णा, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और सुबह के अभी बज रहे हैं 6 और मैं नहा के आ गई हूँ, अभी चूल्हे के पास बैठे हैं, क्योंकि आज जो है मकर संक्रांति है। हमारे लिए आज का दिन बहुत स्पेशल होता है। आज के दिन सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, और साथ में हमारे घर में सबसे बड़ा त्यौहार होता है। आज श्रीजन का बर्थडे है, उसका 14th ईयर का बर्थडे है। तो आज दिखाऊंगी मैं आपको कि हमारे यहाँ कैसे गांव में रीति रिवाज होते हैं, कैसे जो है बर्थडे वगैरह पूजे जाते हैं, क्या खास होता है और क्या हम स्पेशल करते हैं बर्थडे के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और हमारा कल्चर आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, सबसे पहले तो मैं आग जलाऊंगी, हाथ पैर गर्म करूंगी और सॉक्स डाल के स्लीपर डालूंगी, उसके बिना काम नहीं हो सकता है। और ये रहा मेरा फर्स्ट रूटीन सुबह का, कि मैं उठते पानी के 2 गिलास पीती हूँ गर्म पानी के। और आज तो ठंड भी है, मैं नहा भी ली हूँ, और पानी पीने के बाद मैं शुरू हो जाऊँगी अपने काम पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। पंडित जी आएंगे तो उससे पहले सारी तैयारियाँ करनी हैं, फिर पंडित जी के लिए खाना भी बनाना है। तो ये रहा गुलगुले का सामान, ठंड बहुत ज़्यादा थी और मेरा आटा अच्छे से फूला नहीं है। आई होप देखेंगे कि गुलगुले कैसे बन रहे हैं। तो ये गुलगुले, मेरे तेल की कढ़ाई जो है काफ़ी गर्म हो गई है और गुलगुले अच्छे से फूल रहे हैं, आटा हो गया है। ये इसकी वजह से हुआ क्योंकि मैंने ईस्ट का पूरा पैकेट ही डाल दिया था, जिसकी वजह से आटा फूला तो नहीं, लेकिन गुलगुले बहुत अच्छे हुए हैं। अभी इन्हें खा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक पूजा नहीं होगी तब तक हम इन्हें नहीं खा पाएंगे। और ये रहा लास्ट गुलगुले, आप देख सकते हो मैंने रात को थोड़ा सा ही आटा मिक्स किया था और कितने सारे गुलगुले बनकर तैयार हो गए हैं, और देखो कितना अच्छा है ये। श्रीजू, श्रीजू उठ जल्दी कर, सृष्टि खड़े जा, श्रीजन उठ 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 जल्दी उठ, हैप्पी बर्थडे, खड़ा उठ जा जल्दी। श्रीजन को उठने के लिए बोल आई हूँ, और ये डाल रही हूँ मैं दाल, क्योंकि हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है, तो उसके लिए मैंने माँ की दाल डाल दी है उबलने के लिए। और ये रहा सतनाजा, सतनाजा मतलब जब भी बर्थडे होता है तो नहाने से पहले सतनाजा किया जाता है। 7 अनाज होते हैं और 6 अन्य चीज़ें होती हैं, और साथ में इसमें कड़वा तेल ज़रूर डाला जाता है। सृजन जब भी नहाएगा उससे पहले इसे उसके ऊपर वारा जाएगा और उसके बाद नहाएगा। और ये रहे हमारे यहाँ से 9 ग्रहों के लिए 9 जो गट्ठी होती हैं, गट्ठी बोलते हैं, वो करेंगे पंडित जी, इन्हें पूजने के लिए स्पेशल आएंगे। ये जानू तो मैं पोछा लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि पोछा लगाने के बाद सूखना भी चाहिए, और उसके बाद ही जो है पंडित के जो आने का कार्यक्रम होगा वो होगा, और साथ में पूजा की शुरुआत भी होगी। तो पंडित जी के लिए मैं आज पनीर बना रही हूँ, पनीर वैसे ही बना रही हूँ जैसे सिंपल बनाती हूँ। आज बिजली ने बहुत परेशान कर रखा है, बिजली आ रही है जा रही है, इसलिए मैं ग्राइंड नहीं कर पाई मसालों को, बस चॉप ही किया है। और ये मेरा लगा मसाला उबलने, और पनीर डालकर मेरी पनीर की सब्जी तैयार हो गई। अभी जो है जल्दी जल्दी देवी देवताओं को नहला लेते हैं, क्योंकि अभी अभी फ़ोन आया था पंडित जी का कि वो 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं, तो मेरा बस यही काम रहा है, बाकी किचन का काम हो गया है। हाँ, अभी प्रसाद बनाना है, क्योंकि सफ़ेद प्रसाद बोला था श्रीजन के लिए, इसको चढ़ाने के लिए आज के दिन। तो गुलगुले तो मैंने बना दिए हैं मीठे में, लेकिन प्रसाद भी बनाऊंगी अब मैं। और ये रहे हमारे लड्डू गोपाल, जो नहा के रेडी हो चुके हैं, और सृजन की टर्न भी नहाने के लिए आ गई है। आज सृजन का बर्थडे है तो इसी से वो नहाएगा। कड़वा तेल है, तिल है, दही है, और थोड़ा सा धनिया है साबुत, उसी से ही ये नहाएगा, साबुन बिल्कुल नहीं लगाएगा। तो ये सतनाजा है जो दादी कर रहे हैं, 7 बार सीधा होता है और 8वीं बार जो है वो उल्टा किया जाता है, और उसके बाद जिसके ऊपर ये सतनाजा किया हो उसको नहीं दिखाते हैं, और इसको ले जाकर चौराहे में फेंक दिया जाता है। तो ये है प्रसाद का सामान जो मैंने तैयार कर लिया है, शक्कर, घी, दही, दूध और शहद। और ये रहा मेरा प्रसाद सूजी का, बहुत इजी होता है बनाना। मैंने तेल डाला है रिफाइंड तेल, क्योंकि मैं घी यूज़ नहीं करती हूँ, तो घी मैं कम ही डालती हूँ खाने की चीज़ों में। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश, थोड़ी सी गरी है, और साथ में है बादाम, काजू, इनको मैंने डाल दिया है। इसके साथ ही थोड़ा थोड़ा फ्राई करूँगी और पानी लगा दूँगी। पानी जब आप लगा देते हैं तो उसके बाद ही जो है
चीनी डाली जाती है, चीनी एक कटोरी लूंगी मैं, जो काफ़ी होगी इसके लिए। तो मेरा प्रसाद बनकर तैयार है और अभी जो है मैं जा रही हूँ जो हमारा पूजा का कमरा है उसमें सामान बिछाने के लिए, क्योंकि पंडित जी आएंगे तो ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो अच्छे से गर्म चीज़ें जो गिद्दी वगैरह अच्छे से रखनी है। और ये रहा मेन काम, जो जहाँ पर हर साल बर्थडे पूजा जाता है, धारा जो होती है घी की दी जाती है, वहाँ पे हर साल जो है ऐसे ही इसको लिखा जाता है, नए तरीके से बनाया जाता है और फिर जो है पंडित जी पूजा करते हैं। तो मेरा ये काम लिखने का हो गया, बस नाम रहा लिखने का, तो सृजन का मैंने नाम लिख दिया। और अभी जी जो है पंडित के आने का वेट है, तो उनके आने से पहले मैं जल्दी से खिचड़ी की तैयारी भी कर लेती हूँ। मैंने अपनी वीडियोस में बताया है आपको कि खिचड़ी कैसे बनाई जाती है, वैसे ही बना रही हूँ मैं। आज डिफरेंट थोड़ा सा ये रहेगा कि देसी चावल यूज़ कर रही हूँ मैं, हमारी मैम ने मुझे दिए थे तो उन्हीं की खिचड़ी बना रही हूँ मैं। वैसे ही मसाला सब कुछ डालिए, आप दाल भी डाल दीजिए, हींग भी डाल दीजिए, आपने जो चॉप किया होगा अदरक वो, प्याज डाल दो आप, बस टमाटर नहीं डालते हैं। इसको डालने के बाद जो है हम तेल डालेंगे कड़वा सा, और 2 चम्मच मैं देसी घी के डालूंगी। फिर जितना आपको पानी चाहिए होता है कुकर में चावल बनाने के लिए, उतना ही पानी डालना है। कुकर को बंद कर दीजिए और आपकी खिचड़ी तैयार हो जाएगी 2 सीटी आने पर ही। थोड़े से हरे पत्ते भी डाल देती हूँ मैं, क्योंकि उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो बस 2 मिनट तक फ्राई करूँगी और उसके बाद ढक्कन लगा दूँगी और 2 सीटी आने तक जो है वेट करेंगे। तो दिखाती हूँ बाहर, लड़कियाँ लोहड़ी गाने यहीं सुबह की। इनको हिरण कहा जाता है। बच्चे सुबह आते हैं तो चावल दिए जाते हैं और साथ में जो है थोड़े से आपके पास जो भी मूंगफली वगैरह है वो देंगे आप, और थोड़े से पैसे भी दे सकते हैं आप। तो पंडित जी आ गए हैं और मुझे चौका डालने के लिए बोला है, तो जल्दी से मैं चौके डालूंगी, पूजा करूंगी और उसके बाद जो है जन्मदिन की तैयारी शुरू हो जाएगी। और आज जैनी ने भोंक भोंक कर दिमाग ख़राब कर दिया है, क्योंकि लोग आ जा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं हिरण गाने के लिए, तो जैनी सुबह से भोंके जा रही है। तो पंडित जी तैयारी कर रहे हैं और मैं पूजा कर रही हूँ। ये नए पंडित हैं, काफ़ी दूर से आए हैं यहाँ, और जैसा जो हमारे पंडित होते थे वो नहीं आ पाए कारणवश। तो देखेंगे आज कि ये पंडित जी कैसा करते हैं जन्मदिन, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना अलग तरीका होता है। तो पंडित जी पूजा की शुरुआत कर रहे हैं और चौकी में उन्होंने ये जो इनका काम है वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ जन्मदिन ऐसे पूजा जाता है, लेकिन ये नए पंडित आए हैं तो ये चौकी में कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा इनका अलग से जो काम हो रहा था, बहुत सुंदर लग रहा है देखकर। ये बहुत शुभ दिन होता है कि आज मकर संक्रांति होती है, साल का इतना बड़ा दिन होता है और सृजन का बर्थडे आज के दिन आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी रिश्तेदारी में यहाँ ससुराल के साइड 26 सालों के बाद जो था हमारे रिश्तेदारों की लोहड़ी खुली थी, क्योंकि सृजन का बर्थ जो था वो मकर संक्रांति के दिन हुआ था। तब हमारे यहाँ फंक्शन बंद हो जाते हैं, जब किसी खास दिन किसी की डेथ हो जाए घर वाले की, तो वो जो दिन होता है उसको कभी सेलिब्रेट नहीं करते हैं जब तक कि उसी दिन किसी का बर्थ ना हो। तो सृजन बहुत लकी है मेरा। ओ
और ये होता है जन्मदिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य की धारा दी जाती है, 7 धाराएं दी जाती हैं और जो घी है वो ऊपर से लेकर नीचे जमीन तक एक ही धार में जाना चाहिए। यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह कार्य तो तब भी होता है अगर घर में किसी की डेथ हो जाए या गांव में किसी की डेथ हो और फंक्शन ना कर पाए आप, तो भी चूल्हे के ऊपर ये धाराएं देनी ही पड़ती हैं। और ये लास्ट में मार्कंडेय ऋषि की पूजा हो रही है, इसके साथ ही जो हमारा पूजा का कार्य था वो समाप्त हो जाता है। और उसके बाद जो है सृजन थोड़ा बहुत और काम होगा वो करेंगे और पंडित जी का काम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो हमारा कल्चर देखकर, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर नहीं अपनाते हैं। और ये सृजन ने पांव छुए, और तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा गांव का, मेरे घर का कल्चर कैसा लग रहा है, हमारा हिमाचल का कल्चर आपको कैसा लग रहा है। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको अभी और मज़ा आने वाला है। पर जैनी ने आज बहुत परेशान कर रखा है क्योंकि आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं तो भौंके जा रही है। उसको पता होता है कि घर के अंदर से कोई अजनबी है जिसकी आवाज़ आ रही है। जब तक वो अजनबी जाकर उससे बात नहीं करेगा वो भौंकती ही रहती है। और ये आए हमारे बाहर पंडित जी, तो उनको मैं प्रसाद दे रही हूँ और साथ में ये दूध का गिलास है। और पंडित जी अपना काम करके चले गए और सृजन का लास्ट का काम है कि घी में मुँह देखना होता है, तो अंदर उसको दिखाई नहीं दे रहा था तो इसलिए मैं बाहर ले आई हूँ। और ये रही हमारी जैनी, जिसको अभी खाना देने का टाइम हो गया है, उसको ब्रेकफास्ट देते हैं और उसके बाद डिनर होता है इसका। तो जब भी खाना देते हैं तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाती है, वो इधर उधर देखती है कि कहीं मेरे खाना खाने के लिए कोई और ना आ जाए। तो ये देखिए कैसे घूम रही है और सृजन इसको खाना खिला रहा है। मेरी जैनी की सबसे अच्छी बात है कि अगर वो खाना खा रही है और आप अगर उसका कटोरा ले लेते हैं तो वो कभी नहीं काटती है, वो कभी भी गुस्सा नहीं करती है, कभी भी भौंकती नहीं है। ये देख सकते हो आप, बहुत क्यूट और बहुत प्यारी है मेरी जैनी। तो अभी आ रहे हैं बुआ जी, क्योंकि इन्हें खाना खाने के लिए बुलाया गया है। पहले ये रिवाज होता था कि सभी जो हैं एक दूसरे के घर जाते थे, खाते थे, लेकिन आज जैसे जैसे टाइम बदल रहा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना बेकार हो गया है कि हम एक बार से ज़्यादा खा ही नहीं सकते। तो बुआ जी को बुलाया खाना खाने के लिए। 12 बज गए हैं और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, सुबह से कुछ नहीं खाया है क्योंकि पूजा हो रही थी। तो अभी खा रहे हैं सभी खाना। ये है देसी घी जो अभी अभी निकाला है और सभी खा रहे हैं घी, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ। सृष्टि को ज़बरदस्ती दिया गया है कि थोड़ा सा खा लो, और सृजन बीमार है लेकिन वो फिर भी खा रहा है, और मैं दही ही खाऊँगी क्योंकि मैं दही खाती हूँ। और ये देखिए चूल्हे के हालात, दादा पोता ने दोनों ने बैठ कर वो दोनों आग सेकते रहे और दूध पूरा ही निकल गया, कम से कम आधा दूध जो था वो निकल कर बाहर वेस्ट हो गया। तो अभी मैं चूल्हे में चौका लगा रही हूँ, ये तो हमें रोज़ ही लगाना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ आग बहुत ज़्यादा जलती है। आपने देखा होगा सुबह आग 7:30 से जल जाती है और 11 बजे तक जलती रहती है, और शाम को 4 बजे से लेके 9 बजे तक आग जलती है। तो हमारे जो धुएँ से बर्तन भी काले हो जाते हैं, चूल्हा भी काला जाता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है चूल्हा पोछा लगाने के बाद। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और अभी जो शाम हो गई है, बहुत ठंड है और मेरे सिर में हल्की हल्की दर्द भी हो रही है। तो हम जा रहे हैं, छोटा सा गांव है, सभी के घर में जाते हैं, पांव छूते हैं और मुबारकें देते हैं। तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो ये जेठानी के घर आए हैं, ये देखिए यहाँ कितना जंगल है, पार धूप लगी है और हमारे यहाँ बिल्कुल ठंड हो गई है। इनकी गाय है तो अभी अंदर बैठेंगे, और जो बैठे थे वो चले गए, मैं दीदी के साथ ही जाऊंगी दूसरे जो गांव में घर है वहाँ,
तो जाने से पहले दीदी गाय को अंदर कर रहे हैं क्योंकि शाम के 5 बज गए हैं और काम के चक्कर में उनके जानवर भी बाहर रहे। तो सबके घर जाने के बाद आज काफ़ी अंधेरा हो गया। पूजा कराते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि शिव भगवान को मंदिर में जाकर रोज़ मैं दिया जलाती हूँ। और अभी सृजन के बर्थडे का काम करेंगे। सृजन को केक बिल्कुल पसंद नहीं है, वो केक कभी नहीं काटता है, लेकिन इस बार उसे पता नहीं क्या आया है कि मैं मिल्क केक काटूँगा। तो ये दादा के साथ गए थे सृजन सृष्टि, मिल्क केक लेके आए हैं और वही काट कर सेलिब्रेशन हो रहा है। इसके पापा मनाली में हैं, वहाँ से अभी तक आए नहीं हैं। तो सबसे पहले सृष्टि ने खिलाया, उसके बाद दादी की टर्न आई और दादी के बाद फिर दादा की टर्न और लास्ट में मेरी टर्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये थी सृजन के बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो, साथ में मकर संक्रांति की वीडियो, जो साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है और हमारे लिए तो सबसे बड़ा दिन होता है। ये हिमाचल में बहुत ज़्यादा इसको मनाते हैं, पंजाब में ही नहीं हिमाचल में भी इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और हमारे घर में सृजन के बर्थडे को लेकर तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो आप भी मज़ा लीजिए कि मिल्क केक का जैनी बच जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखिएगा। और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। टेक केयर, बाय बाय।